माली जी, और वो भी एक औरत जी। लगता है किचन ज्यादा ही गर्म हो रहा है शायद, और उससे भी ज्यादा तुम्हारा दिमाग। अब जाओ अपना काम करो, बहुत लेट हो गया है पहले से ही। ऐसा कैसे हो सकता है? लगता है पुष्पा जी काम की वजह से भूल गई हैं। खैर जो भी हो, हमें तो अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। ये गैस को क्या हो गया? गैस? काका, लगता है गैस खत्म। अब क्या हुआ? पुष्पा जी, गैस गया। समझ में नहीं आ रहा, ये 20 दिन पहले सिलेंडर मंगवाया था, खत्म कैसे हुआ? अब क्या, सिलेंडर के बारे में ही सोचते रहेंगे? लंच टाइम पर कैसे तैयार होगा? आज तो आसपास के सारे होटल भी बंद है। अरे किसी को मार्केट वाले होटल पे भेज भी दिया ना, तो टाइम पर लौट के भी नहीं आएगा। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। शांत गौ माता, शांत। ये कैसी परीक्षा है? देवी पौलिनी संतोषी के साथ शत्रु सा व्यवहार कर रही है। इतनी बाधाएं एक साथ। कुंदन तप कर ही चमक पाता है। हमारे भक्त शुद्ध सोना तभी बन सकते हैं जब वो बाधाओं का सामना हंसकर करते हैं। गौ देवी, हमारे भक्त कर्मशील हैं, हम उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। संतोषी अपना कर्म कर रही है, सबको करना है, और फिर हम तो हैं ही उसकी सहायता के लिए। धन्य है माते। लकड़ियों के बिना तो कुछ नहीं हो सकता, और संतोषी भी गायब है। काका, लगता है वो भाग गई। हमारी तो आज खैर नहीं, हेड होने के नाते जिम्मेदारी तो हमारी बनती है ना। क्या जवाब दूंगी मैं मैम को? काका, मुझे नहीं लगता है वो लड़की वापस आएगी। मैं अंदर जाके सबको बता देती हूँ कि कोई वेट ना करे, ये लड़की भी भाग गई। पुष्पा, मुझे लगता है कि वापस आएगी। मिले तो हम चंद घंटों पहले थे, लेकिन उसकी आंखों में मुझे विश्वास दिखाई दिया, सच्चाई का विश्वास। काका, आप एक बार लड़की से मिले और फिल्मी डायलॉग बोलने लगे, वो नहीं आएगी। संतोषी,
क्या कहा था मैंने? काका आप बस हमारी थोड़ी सी मदद कर दीजिए। हाँ जरूर जरूर, चल बोल क्या फटाफट हो जाएगा। संतोषी 12:50 हो गए हैं, क्या तुम कर पाओगी? हो जाएगा पुष्पा जी। अरे छोड़ो से, क्या किया तुमने बेटे? जब चूल्हा ही नहीं होगा तो भोजन कैसे तैयार करोगी संतोषी? क्या किया तुमने बेटे? इधर लाओ, हाथ लाओ। देखो बस, अब तुम और कुछ नहीं करोगे, और जो होगा वो हम संभाल लेंगे। सारी मेहनत बेकार गई बेटी, तुम अपने आप को संभालो, हम अंदर जाकर सबको बता देते हैं कि अब खाना नहीं बन सका। अब तुम चिंता मत करो बेटी, चिंता मत करो, हम सब संभाल लेंगे। पूरा खाना तैयार है, हम तो बेकार ही पागल हुए जाते हैं कि चूल्हा टूटने से खाना कच्चा रह गया होगा। हे संतोषी माँ, आज तो आपने बचा लिया। तुमने तो बहुत बड़ा करिश्मा कर दिया। हमने चमत्कार नहीं किया काका, संतोषी माँ ने चमत्कार किया।
सकती हैं। चलो सर्व करो उनको दो। उधर वहां सर्व करो। उधर जी धन्यवाद। संकेत जी सर आई हैव बीन एक्सक्यूज मी जी। हम विधि का लेखा तो नहीं बदल सकते, वही होगा जो ब्रह्मदेव ने रचा है। मजा आ गया, बहुत समय बाद इतना बढ़िया खाना खाया। वो सब्जी पास करना प्लीज। संकेत तुम भी कुछ ले लो। नहीं मैम थैंक यू, हम शुक्रवार के दिन एक ही समय खाना खाते हैं। दरअसल आज हमारा संतोषी माता का व्रत है, इसलिए हम शाम को ही सादा खाना खाएंगे ये फिर कभी। तुम भी ना देखने वाली देवी देवता को मानते हो? हमारी तरह परम माता शांति देवी को क्यों नहीं पूछते? फिर उनकी कृपा से हमारे तरह ऐश भी करोगे? मैम वो तो अपनी अपनी श्रद्धा है। इनफैक्ट हमारा मानना है खुशी और संतुष्टि दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये जरूरी नहीं जो खुश है वो संतुष्ट भी होगा, लेकिन जो संतुष्ट होता है वो हमेशा खुश रहता है। और हमारे लिए संतोषी माता से मिला संतोष दुनिया का परम संतोष है। पुष्पा इन्हें कुछ जूस वगैरह दे दो। नहीं मैम थैंक यू, वो भी नहीं ले सकता। अरे यार संकेत छोड़ना ये व्रत, बहुत बढ़िया खाना है यार खा ले।
सॉरी सर बट आई कैन नॉट। आप ये खाइए, ये एकदम सात्विक है, ना इसमें नमक है ना ही खट्टा। हम खुद संतोषी माँ के भक्त हैं। आज तो ये लड़की पूरी तैयारी से आई है मुझे इस घर से निकलवाने के लिए। ये लीजिए। ये मुझे दीजिए। थैंक यू। सुनो, मुझे अचार चाहिए, अचार ला के दो। काका, आप जरा अचार ला देंगे? वो क्या है कि आज शुक्रवार है ना, हम आज खट्टी चीजों को हाथ नहीं लगाते। मैं लाता हूं। दूसरा। अच्छा सुनो, मुझे थोड़ा खीर देना। जी। संतोषी, अपनी भक्ति का पिता मात्र कष्ट। आपको एक भक्त मिली संतोष, और हमें उसका विरोधाभासी भी मिल गया। धैर्य केवल नाम का धैर्य है, अंतर मन में असंतोष ही असंतोष है, और इसका संतोष ही संतोषी के जीवन को कष्टदायक बना देगा। जय मां संतोष, आपकी लीला महान है। रहने दीजिए अम्मा, हम उठा देते हैं। अरे ये तुम्हारे हाथ में क्या हुआ बेटा? ये कुछ नहीं अम्मा, बस थोड़ा सा जल गया है, एक दो दिन में ठीक हो जाएगा। ये लीजिए आपका झोला। ऐसे ठीक नहीं होगा, बहुत लगा है। कुछ लगाया कि नहीं? अभी नहीं अम्मा, घर जाकर लगा लेंगे। कुछ लगाया होता तो अब तक ठीक हो जाता। अब संतोषी माँ तो आएंगी नहीं तुम्हारी मदद करने? इतने से काम के लिए संतोषी माँ को क्या कष्ट देना? संतोषी माँ ना सही, हम तो हैं। आओ बैठो।
अम्मा, इसमें क्या जादू की छड़ी है? अभी पता चल जाएगा। मिल गया। ये क्या है? ये शहद है। इसके सामने सारी दवाइयाँ फीकी हैं। पता नहीं जिनकी लाडली भी कहाँ मर गई है। जिसने पता नहीं कौन सा पता लोक में भेज दिया है कि अभी तक नहीं आई। और दक्षा जी की बिटिया तो एक को काम की नहीं। कुछ भी काम करने को कहो तो हमारे हाथ में दर्द हो रहा है। अजय संतोषी महारानी पता नहीं कौन से पाताल लोक में चली गई। अच्छा है, जी भर के बुराई कर लो हमारी तुम माधुरी। काम तो कुछ होता ना है। अरे जे सब करते तो सूखी मिर्ची कौन अंदर रखता है। हाय दैया जीत जी, ज्यादा बात तो करो ना है। अब पूरे घर भर के लिए पने सांभर रोटी हम बना कर करके पसर पसर के सबके सब खाते हैं। और बाहर से राशन पानी तो सब हम ही खिलाते हैं ना। अच्छा, और जे आंधी आई तो सारे कपड़े तो हम ही ने उठाते, नहीं तो पतंग बन के उड़ रहे थे। हाँ, तो घर का बाकी जो अंदर पास करो। हमको जे बताओ कि संतोषी को कहाँ भेजे हो चुपके से। अम्मा बता रही कि तुम गई थी उनके कमरे में, बाहर लेकर के आई थी उसको। संतोषी आ गई। अरे अच्छा हुआ कि तुम आ गई, वरना अभी थोड़ी देर में सर फुलावड़ हो जाता। अब चलो ठीक है, वो जरा झाड़ू उठा लो और जे सारा कचरा वचरा साफ कर लो। अभी तो आई है, जरा थोड़ा सांस तो लेने दो। हाय दया अम्मा जी, तो हम कौन सा सांस की नली काटे दे रहे जो सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी। अब पूरे दिन भर से महारानी आराम कर रही थी, घर में नहीं थी तो एक काम तो कर ही सकती है। कर देंगे चाची, कल सवेरे उठ के सबसे पहला काम यही करेंगे। अब एक घंटे का फुल मजा तैयार। अभी खाए नहीं, सवेरे क्या करोगी? हाथ जल गया चाची, बड़ी जलन हो रही है। ये सब कैसे हुआ? सब ठीक तो है बेटा? ठीक है दादी, बस थोड़ा सा जल गया है। रास्ते में एक भली सी अम्मा मिल गई थी, उन्होंने इस पर शहद लगा दिया और कहा धूल माटी पानी से कल तक बचाना, नहीं तो ठीक ना होगा। इसीलिए कह रहे थे चाची कल सब साफ कर देंगे। हम सब जानते हैं काम ना करने की बहाने बाजी। ना चाची, बहाना नहीं है सच्ची। अच्छा, हम सब समझते हैं, चलो काम करो। अरे संतोषी नौकरानी नहीं है। हाय दे, तो हमने कब कहा नौकरानी है? और नौकरानी हो कि महारानी हो हमसे मतलब नहीं है। अब पहले तो जे बताओ कि जे जला कैसे। बीजी अब बहुत ज्यादा जल गया है का? सवाल जवाब बाद में हो जाएंगे, जाओ बिटिया दवा लगा लो। हाय दया जी जी, जी प्यार बाद में लुटा लेना, दो मिनट लगेंगे बताने के लिए कि कैसे जल गया। बताओ कैसे जली? खाना बनाने में चाची। हाय दया, पने था भर रोटी घर भर के लिए हम बनाए और जय महारानी पता नहीं कौन से भंडारे में से खाना बना के आ रही जो जल गई है। ताई जी तो भेजे थे ताऊ जी के साहब के घर लखनऊ, उनके खाना बनाने वाले कई दिन के लिए छुट्टी पे गए ना, तो हम खाना बना रहे थे उसी में जल गया। अच्छा, ये बात है। आ जी जी, हमको तुमसे जरा बात करनी है, चलो। अब हमें बहुत सारे काम है। आदिया जी जी, काम हो जाएगा है, हमको तुमसे बात करनी है। और कहो तो यही कर लो। नहीं चलो। चलो चलो, झूठी कहानियां तो हम बहुत सुन चुके, अब जरा हमको सच्ची सच्ची जे बता दो कि संतोषिया को भाई साहब के बॉस के यहाँ काहे भेजे। अरे टीवी देख देख के तुम्हारे दिमाग में कूड़ा करकट भर गया है, हम काहे तुमसे कुछ छुपाएंगे। हाँ, अब संतोषिया सच कह रही थी, अरे हमने तो उनकी मदद के लिए उसे भेजा है। हंस काहे कर रही हो जीजी, तुम बातें ऐसी कर रही हो, ऐसे बोल लियो जैसे कि हम तुमको जानते नहीं है। तुम और मदद, बिना फायदे के तो तुम अपना बुखार भी किसी को ना दो, और जहाँ तुम मदद करने की बात है। अब जरा सच्ची सच्ची जल्दी से बकुरो कि तुमने संतोषी को काहे भेजा है, वरना भाई साहब से पूछ लेंगे। हमको अच्छी तरह से पता, भाई साहब को भी तुम्हारी इस करतूत के बारे में पता ना होगा। बस बस, भाई साहब तक जाने की जरूरत ना है, बता देते हैं तुम्हें।
अबू आजी आई थी अपना पैसा मांगने के लिए, तुम तो हाथ खड़ा करके चल दी वहां से। हम कहां से इतना पैसा देते, हमारे पास थोड़ा ना पैसा है। तो हमने शहर में किसी से बात की है, लखनऊ के एक बड़े घर में संतोषिया को खाना बनाने का काम मिला है, पैसे मिलेंगे उसे। हाय दया चीची, इतना बड़ा कांड कर दिया, हमको पता तक नहीं। अच्छा जीजी, अब जरा जल्दी जल्दी ये बताओ कि और का छुपाए हमसे। माई लगती हो तुम हमारी, जो तुम्हें बताए काहे बताए। और सुन लो, हमारे काम में इस बार डंगा मत डालना तुम्हारा। अच्छा जीजी, ये बताओ कि तनख्वाह में से कितना दोगी हमको। अपना जो मुंह बंद रखो, नहीं तो पैसा नहीं लाल मिर्चा ठूस देंगे मुंह में। हाँ जीजी, हमारा मुंह तो सिर्फ पैसों से ही बंद होता है, अब हमको जे बताओ पैसा दोगी कि नहीं। जब तक बुआ जी का पैसा नहीं लौटा देते, हम किसी को एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। ठीक है, तो तुम कमाई खाओ और हम कराते संतोष से सारा काम। कराओ जो मर्जी है कराओ, पहले हमारा काम खत्म होने दो तब। इससे तो मैं निपट लूंगी, बस अम्मा को पता ना चले। तू लखनऊ से अकेले होकर आ गई, पहली बार तू घर से निकली और वो भी इतनी दूर। हाँ दादी, पहले तो हमें भी डर लगा, इतना बड़ा शहर, ना कोई जान ना पहचान, पर सब हो गया। पता है दादी वहाँ क्या हुआ? जैसे ही वहाँ गए, चमक था, हमारे तो होश ठिकाने आ गए। ये लो पैसे मजाक में थप्पड़ खाने के लिए। घर पे सिखाया होगा ना औरतों की इज्जत करना, पर भूल गए हैं शायद, मजाक में भी लड़कियों पर हाथ नहीं उठाते। अरे देख के नहीं चल सकती क्या? और बाद में पता चला कि वो मालिक का भाई है। भला कोई ऐसा करता है? कल मिला ना उसे, उठा के पटक देंगे। चुप, बड़ों के लिए ऐसे नहीं बोलते, और हम कौन होते हैं सजा देने वाले। संतोषी माँ है ना, उन्होंने सजा दे दिया। बाद में जाकर वो किचन में धड़ाम से करके गिर गया। संतोषी माँ ने डन दिया तो फिर ठीक है। हमें बहुत अच्छा लगा तुम अपने ताऊजी के लिए इतना कुछ कर रही। मैं इतना सब करने वाली क्या बात है दादी, परिवार के लिए तो कर रहे। लेकिन दादी हमें एक बात समझ नहीं आई, हम तो वहाँ ताऊजी की तरक्की के काम के लिए गए थे, फिर वहाँ सब लोग हमसे नौकरानी जैसा बात क्यों कर रहे थे? क्या के दिमाग में कुछ चल तो नहीं रहा है? नाना, आज सुबह भी वो तेरे से बड़े प्यार से बात कर रही थी, नहीं तो काटने को दौड़ती है। जरूर तुझे वहाँ भेजने के पीछे कोई वजह है, क्योंकि कभी जनार्दन ने भी हमसे नहीं कहा कि उसका साहब लखनऊ में रहता है। दादी, ताई जी हमें नौकरानी बनाकर क्यों भेजेंगे भला? अरे वो कुछ भी कर सकती है, हम जानते हैं ना उसे। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।